इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं। मेरठ से बड़ी खबर है, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ मणिपुर जैसी घटना सामने आई है। नाबालिग के साथ गैंगरेप कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। गैंगरेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शाकिर, आलम और पप्पू बताए जा रहे हैं। अन्य आरोपी भी हैं जिनकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। 4 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मणिपुर जैसी घटना को अंजाम दिया गया, यहां एक नाबालिग बच्चे के साथ गैंगरेप किया गया है और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इन आरोपियों की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। इसमें गिरफ्तारी हो गई है 3 आरोपियों की, लेकिन अभी भी कुछ और अन्य आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाना बाकी है। उनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन किस तरीके से यह हैवानियत की खबर सामने आई मेरठ से, जहां एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया, उसका वीडियो बनाया गया और इतना ही नहीं, उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। अब इसको लेकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाकिर, आलम और पप्पू, इन तीनों का नाम बताया जा रहा है और इसके अलावा कुछ और भी आरोपी इसमें शामिल हैं जिनको पुलिस तलाश रही है। 4 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। मेरठ से मामला निकलकर सामने आया है, गैंगरेप किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है और उस वीडियो को वायरल कर दिया जाता है सोशल मीडिया पर। इस खबर पर बात करने के लिए मैं रुक करती हूं अभिषेक का, और अभिषेक अभी तो मणिपुर को ही लेकर जिस तरीके से इंसाफ पूरा देश मांग रहा है, आप इसी तरीके की घटना, एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी मेरठ से सामने आई है। शिरीन, बहुत ही दरिंदगी की ये पूरी खबर है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए अभी तो 3 गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा जिन लोगों ने वीडियो बनाया है वो अभी पहुंच से बाहर हैं, उनको अभी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, वो एक बड़ी बात है। जिन लोगों ने इसका प्रसार वायरल किया है, आप सोचिए जिस तरह से वो पीड़िता गिड़गिड़ा रही है, ये सब समाज के मुंह पर, ये व्यवस्था के मुंह पर, ये ऐसा तमाचा है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मणिपुर के बाद जो मेरठ में हुआ है, ये चीजें इसीलिए हो रही हैं कि टाइम बाउंड एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं हो पा रहा है, और यही वजह है कि चीजों की रफ्तार बढ़ रही है। अभी जो 3 को और गिरफ्तार करना बाकी है वो, और साथ में जिन लोगों ने वायरल किया है, अगर इन सबको समय रहते पकड़ा नहीं जाएगा और फास्ट ट्रैक के मामला नहीं चलेगा, तो हम इस तरह की खबरें ही बताते और पढ़ते रह जाएंगे। जाहिर है, आप रहिए मेरे साथ, मैं अंकित का भी रुख कर लेती हूं। अंकित, हम मणिपुर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान हो, बंगाल हो, और या फिर देश के अलग अलग कोने से इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं महिलाओं के साथ दरिंदगी की, अब मेरठ से भी सामने आ गई। बिल्कुल शिरीन, और ये दुखद क्या है, दुखद ये है कि इस मामले पर जिस तरह से राजनीति होती है, एक पार्टी दूसरे पर हमला करती है, दूसरी पार्टी तीसरे पर हमला करती है, और मामला जो है कहां पर, मामला जो महिलाओं की अस्मत जिस तरीके से लूटी जा रही है, जिस तरीके से महिलाओं असुरक्षित खुद को महसूस कर रही है, फिर चाहे वो मणिपुर की बात हो, फिर चाहे वो मेरठ की घटना की बात हो, राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, बंगाल की बात हो, बिहार की बात हो, देश के तमाम राज्यों से इस तरीके की तस्वीरें आना निश्चित तौर पर शर्मनाक है। प्रधानमंत्री का बयान भी हमको याद है, अभी 4 दिन पहले जब संसद का सत्र शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि हमें क्रोध है, ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी तमाम राज्य सरकारों की है, तमाम प्रशासन की है, फिर भी इस तरीके की घटनाएं तब तक सामने आती रहेंगी, जिस बात का अभिषेक ने जिक्र किया कि जब तक कठोर सजा नहीं मिलती और टाइम बाउंड मैनर में नहीं मिलती। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ठीक है, मैं मेहमानों का रुख कर लेती हूं इसी खबर को लेकर, और प्रेम जी आपके पास आते हुए कि मणिपुर पर चर्चा होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकी जगहों की बेटियां भी तो बेटियां हैं ना। देखिए, मणिपुर और इन घटनाओं में क्या फर्क है, सबसे बड़ा फर्क है कि मणिपुर में नाम लेकर के हमने अभियुक्त को नहीं पकड़ा, ये शकीब है, ये फला है, ये ढिमका है, भीड़ ने किया। मणिपुर में पुलिस भीड़ के साथ खड़ी थी, महिलाओं ने भीड़ को सौंपा महिलाएं, यहाँ पर पुलिस एक्टिव है, गिरफ्तारी हो रही है, सरकार अपराधी के साथ खड़ी नहीं है। हाँ। तो मणिपुर में सरकार अपराधी के साथ खड़ी दिखी, पुलिस अपराधी के साथ खड़ी दिखी, इसलिए ये तमाम घटनाओं का की तुलना हम उनसे नहीं कर सकते। तुलना नहीं, लेकिन इन पर बात होनी चाहिए। रामकृपाल जी, एक एक रिएक्शन सबका ले लेती हूँ। अभी जैसे आपके कह रहे थे, बहुत बिल्कुल सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में सब लोग मर्माहत हैं। जिस तरह मोदी जी ने कहा कि मैं क्रोध से भरा हुआ हूँ, समय का तकाजा है कि इस देश की संसद, इस देश की विधानसभाएं मिल करके ये तय करें कि ये जो कुछ हुआ है, ये हत्या से बड़ा अपराध है, और समाज में सिर्फ सजा नहीं, सजा का तरीका और सजा ऐसी हो कि किसी को ऐसा करने की बात तो छोड़िए,
सोचने पर भी रूह कांपे। ये तो दिक्कत है ना, ये बात ऐसा कर सकते कोई सोचता नहीं, लेकिन इस पर सब सियासत होती है। कुर्बान जी देखिए, आपने कहा कि कहीं भी घटना हो वो निंदनीय है, शर्मनाक है, लेकिन मणिपुर की घटनाएं जो हैं वो राष्ट्रीय शर्म की बात है, और इसलिए ज़्यादा तकलीफ देह है कि संसद इस मामले पर मौन है, उसमें चर्चा नहीं हो पा रही है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ये विपक्ष की रणनीति है कि वो शायद मणिपुर पे भी उस पर चर्चा करना चाहें, जिसके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हो सकी है। लेकिन चाहे एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो या दस के साथ हो, कोई भी अक्षम है। अपराध अपराध है, किसी भी महिला को अगर इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो वो गलत है और उसे उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इस खबर पर भी नजर हमारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।